नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। यूपी में चुनाव नजदीक आते ही सरकार के नुमाइंदों को गरीबों की याद सताने लगी, जहां महीने में दो बार राशन के साथ दिसंबर माह से राशन के साथ नमक, तेल और दाल बांटकर ग्रामीण वोट बैंक के साथ महिलाओं को साधने की कोशिश की जा रही है। जहां आज भोगनीपुर तहसील क्षेत्र के दौलतपुर गांव में मंत्री भानु प्रताप वर्मा, गौराठा सांसद के नेतृत्व में फूड इंस्पेक्टर सुमलिका मलिक, एसडीएम भोगनीपुर और कई अधिकारी कर्मचारियों के साथ राशन कोटे की दुकान पहुंचकर ग्रामीणों को संबोधित करते हुए भानु प्रताप वर्मा ने सरकार की विकास नीतियां गरीबों के हितों को लेकर ग्रामीणों को संबोधित करते हुए नजर आए। आप लगातार इन वीडियो में देख सकते हैं कि आपको बताते चलें कि यूपी सरकार के सांसद, विधायक और मंत्री भी 2022 में फिर से सरकार बनाने को लेकर राशन के साथ साथ कई तरीके के हथकंडे अपनाकर मोदी सरकार का प्रचार करने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि इस समय गरीबों को राशन की दुकानों में मिल रहे राशन के रूप में नमक, तेल, दाल और राशन को ले जाने के लिए स्पेशल मोदी ब्रांड का एक बैग देकर ग्रामीणों के वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते भोगनीपुर तहसील क्षेत्र के दौलतपुर गांव में स्थित राशन कोटे की दुकान में सैकड़ों ग्रामीणों को संबोधित करते हुए मंत्री भानु प्रताप वर्मा और एसडीएम भोगनीपुर अजय कुमार राय, खाद्य पूर्ति अधिकारी सुमेलिका मलिक और भी कई अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए कानपुर देहात से संवाददाता जंग बहादुर सिंह की खास रिपोर्ट।